आज 2 दिनों के बाद मैंने सबके पर्दे उठाए हैं और माशाल्लाह से धूप आज खासी तेज़ है, लेकिन हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। उस तरफ देखें झंडा कितनी स्पीड में जा रहा है, और ये शापर आप देखिएगा, एकदम से हवा आती है तो बाहर की तरफ आते हैं और फिर अंदर की तरफ चले जाते हैं। और बाकी तो सब यहाँ पे ठीक है, यहाँ सफाइयाँ शही हो चुकी हैं, लान पूरे को साफ़ कर दिए, जो कल गंदा था ना इतना ज़्यादा वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। चूज़ों के लिए और मुर्गियों के लिए रोटियाँ वगैरह ला के रखी हुई हैं। इस तरफ पैनाडोल ये मैंने दिए अपने कबूतर को, वजह बताता हूँ क्या है और आपको सामने दिखाता हूँ। मुर्गियाँ, चूज़े और छोटे चूज़े और मुर्गी भी इधर ही आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये रोटियाँ मैं लाया था तकरीबन सुबह 9-10 बजे के करीब, और इस वक्त 1 बज रहे हैं। रोटियाँ ना डालने का मकसद आपको मैं बता देता हूँ कि जब मैं ये ले के आया तो आगे यहाँ पे कुछ और सिस्टम हुआ था, तो बस मैं उस चक्कर में लग गया, तो ये जो रोटियाँ थी यहीं पे रह गई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से सारी चीज़ों से फ़ारग हो चुका हूँ, तो अभी पहले डालनी है रोटियाँ अपनी मुर्गियों को जो कि इधर हैं, और साथ में चूज़े भी यहाँ पे हैं। आप सोच रहे होंगे कि चूज़े तो उस तरफ थे तो ये यहाँ पर कैसे शिफ्ट हो गए हैं, तो ये सारी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। बस जल्दी से इनको एक दफ़ा रोटियाँ डाल लूँ, उसके बाद मैं आज की सारी स्टोरी जो है आपको सुकून से बताता हूँ। तो जी, रोटियाँ मैंने सबको डाल दी हैं, वहाँ पर कबूतरों को भी डाल दी हैं, उन मुर्गियों को भी डाल दी और इनको भी डाल दी हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। हुआ कुछ यूँ कि ये देखें, अभी इनके दरवाज़ा खोला हुआ है और मैं सुबह सुबह जब आया तो ये यहाँ पर बैठा हुआ था, उसकी हालत कुछ ये हो गई थी। दूसरे कबूतर ने इसको इतना मारा, इतना अगर मैं थोड़ी सी देर और ना आता तो ये तब तक मर चुका होता। इसका सर देखें कितना डैमेज हुआ हुआ है, और इसकी आँख में भी मारा है। इस साइड वाली आँख तो इसकी, मैं देखता हूँ कौन सी वाली आँख है, ये वाली आँख, इस साइड वाली, इस साइड वाली आँख को तो इतना मारा है ना कि ये खुल भी नहीं पा रही। ये वाली आँख थोड़ी सी ठीक है, और ये माशाल्लाह से खा पी तो ठीक रहे। इसको मैंने रोटियां डाली हैं, तो फिर जल्दी से मैंने क्या किया कि यहाँ पूरे केज की सफाई की, और उन वाले कबूतरों को जो ऊपर थे बड़े वाले किंग जो लाया था, उनको मैंने जल्दी से यहाँ की सफाई की इस केज की। और फिर देखें इस केज की सफाई की, यहाँ से चूज़ों को मुर्गियों को निकाल के उधर शिफ्ट किया, और वो देखें ऊपर उनका बॉक्स लगाया, मतलब पच्छी सी लगाई है फ्रूट वाली, और उसके अंदर दोनों को बिठा दिया था। अभी तक तो फिलहाल उधर ही बैठे हुए हैं, आगे का नहीं पता कि ये क्या करते हैं। तो दोस्तों, मैं रोटियां साथ लाया था उसी वक्त डालने के लिए, लेकिन इतनी टेंशन शुरू हो गई ना कि जल्दी से भागा, इनकी सफाइयाँ की, इनको शिफ्ट किया आगे पीछे, मुर्गी को उधर लेके गया क्योंकि मुर्गी के बच्चे वहाँ से बाहर आ जाते थे, तो फिर वहाँ ईंटें वगैरह लगाई। अब क्या करेंगे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अब करना क्या है कि आज रात को या आज रात से चूज़े और मुर्गी दूसरे चूज़ों के घर में रहेंगे इस घर में, बाकी सारी मुर्गियां चूज़े जो बड़े चूज़े हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और आज से जो किंग का पेयर है वो यहाँ नहीं रहेगा, मतलब हैरी और लकी के साथ नहीं रहेगा, आज के बाद वो यहाँ रहेंगे। जो किंग की फ़ीमेल थी वो अपनी जगह सेलेक्ट कर चुकी थी और बैठी हुई थी अंडा देने के लिए, लेकिन मजबूरी है अब उनको वहाँ शिफ्ट करने, वहाँ सुकून से एक पेयर है, एक पूरा केज है, अब वहाँ अंडे दें, बच्चे दें, क्योंकि यहाँ अब मैं नहीं उनको रख सकता, इधर ला के कोई और रखने, और जल्द ही लाऊँगा। देखें बेचारा अभी भी उसकी क्या हालत हुई है, मैं ना आता तो हो सकता है तब तक इसकी क्या हालत हो चुकी होती है। अभी भी बहुत सुस्त है, मैंने इसको बाहर भी छोड़ा है, थोड़ा सा एक्टिव भी है लेकिन उस तरह नहीं है। ये देखें, मैंने आते ही 3 दफ़ा अब तक मैं इसको ये लगा चुका हूँ, और साथ ही मैंने फिर ये जो पायोडीन वगैरह लगाने के बाद ये दवाई है पैनाडोल ये दी है। आज मेरा कोई बिल्कुल भी दिल नहीं था कि आज मैं वीडियो बनाऊंगा, मजबूरन वीडियो बना रहा हूँ। आज तुम्हें से बोलने भी ठीक से नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी बना रहा हूँ ताकि आपको ये दिखा सकूँ कि किंग ने क्या हालत की है। ऐसी हालत तो मैंने सोचा भी नहीं था कि कबूतर एक दूसरे की हालत कर सकते हैं। हो सकता है आपके कबूतरों के साथ भी कभी ऐसा मसला हो कि एक कबूतर ने दूसरे को ऐसे मारा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने कभी देखा नहीं है। 20-20, 25-25 पे रह के केज में भी रहते रहे हैं, कभी कोई मसला नहीं हुआ, तो पता नहीं ये कैसे हो गया। और अगर मैं थोड़ी सी देर ना आता तो ये मर चुका होता, या इसकी हालत और ख़राब हो चुकी होती। शुरू में जिस दिन मैं किंग को लेके आया था तो किंग इनसे डरता था, ये मारता था किंग को और उसकी फ़ीमेल को, और आज ये देखें कि इसने इसकी क्या हालत की है। बहरहाल मैं अभी परेशान हूँ इनके लिए, लेकिन मैं ट्रीटमेंट फुल कर रहा हूँ। ये देखें पायोडीन वगैरह भी पड़ा हुआ है, और उधर पैनाडोल भी पड़ा हुआ है, एक 2 दफ़ा दे चुका हूँ, इंशाल्लाह उसके बाद भी दूंगा। और अभी ये देखें कुछ हो सकता है खाना पीना शुरू कर दे, तो इसको मैं पकड़ के यहाँ छोड़ता हूँ एक दफ़ा। ये आ गया जी हमारा लकी बायर, और इसको हम जल्दी से यहाँ पर छोड़ते हैं, ये नीचे उतरेगा नहीं। अच्छा उतर गया, अब ये वापस भी आ जाता है,
अब ये खाएगा और यहाँ सीधा अंदर चला जाएगा खुद से। अब इसको थोड़ा सा एक्टिव करना है ताकि बिल्कुल बैठे बैठे सुस्त ना हो जाए, क्योंकि इसकी हालत वैसे ही बहुत ख़राब हो चुकी है। दोस्तों आपने मुझे बताना है कि ये कब तक ठीक हो जाएगा और इसका इलाज क्या है। मुझे कुछ भी नहीं पता, जो था मैंने इलाज कर दिया है, और इसके वापस पर कब तक आ जाएंगे, क्योंकि इसका तो बिल्कुल एक पर भी जिसको कहते हैं ना वो भी नहीं बचा। नीचे से तो खोपड़ी तक नज़र आना शुरू हो गई है। सुबह से सिर्फ 3 दफ़ा मैं इसको पाइडीन लगा चुका हूँ और 1 दफ़ा इसको पेनाडोल दी है कि ये दर्द की वजह से इसको बुखार ना हो। बाकी नॉर्मल मैं इसको दे रहा हूँ और ये खा भी पी रहा है, घूम भी रहा है, लेकिन कोई पता नहीं होता है कि सर्दी है सर्दी ना लग जाए, और दूसरा ये कि बीमार ज़्यादा ना हो जाए। वो भी उधर चला गया। यहाँ कुछ ये सूरत हाल है कि चूज़े और मुर्गी जो हैं ये एरिया उन सब का है, यहाँ से लेके ये सारा, और उससे आगे वो है, और वो वाले इसके नज़दीक तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। शुरू में जब मैं इसको लाया तो सबकी लड़ाई हुई, बारी बारी एक एक ने लड़ाई की और इसने सबको मारा, लेकिन वहाँ एक सफ़ेद मुर्गी है, इन चार में से कोई एक सफ़ेद मुर्गी है जिसने इसको इतना मारा ये भाग गई। तो अब उनमें एक है जो इसको मार सकती है, बाकी तो सारी इससे भाग रही हैं। ये वापस यहाँ पर आ चुका है और देख रहा है इस तरफ ऊपर, मतलब इसने ऊपर जाना है, लेकिन पता नहीं ये जा क्यों नहीं रहा। और दूसरा ये कि ये अभी काम पी रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसको भी जल्दी से फिर ऊपर खुद ले जाते हैं या ये खुद ही चला जाएगा। इंतज़ार करते हैं थोड़ी सी देर, चले धूप पे बैठा हुआ है और मुझे टेंशन लगी हुई है। मैं तकरीबन 3-4 घंटे से इसी के पास हूँ और इसको धूप पे बिठाया हुआ है, कभी ऊपर कभी नीचे, ताकि यहाँ अगर मैं कोई बिल्ली वगैरह हो तो बिल्ली इस पर हमला ना कर सके, और मैं साथ साथ इसको देख रहा हूँ। ये देखें, ये फीमेल अभी नीचे उतरी थी इस जगह पर दाना खाने के लिए, तो मुझे देखा तो वापस ऊपर भाग गई है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे खड़ा था कि मैं चेक कर सकूँ कि क्या ये इस बॉक्स के अंदर वापस जा सकते हैं या नहीं जा सकते, और अगर इतने ऊपर वो नहीं ठीक से जा पा रहे तो फिर मैं इसको कहीं नीचे इस तरफ लगा दूँ या कहीं साइड पे। या मैं एक और मज़े की चीज़ सोच रहा हूँ, ये है कि इस वाले बॉक्स को जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये इस बॉक्स को यहाँ से उतारते हैं और इसको जाके यहाँ पर दीवार के साथ लगा देते हैं ना, इस साइड पर, राइट साइड पर करके, ताकि वो यहाँ पर सही एडजस्टमेंट इनकी हो जाए। क्योंकि ये वाला जो बॉक्स है, मतलब ये जो पक्षी है, ये अंदर से टूटी हुई है और इसका वज़न इतना है कि ये वज़न बर्दाश्त कर नहीं सकती, तो ये कबूतर हैं भी बड़े वज़न वाले हैं, तो फिर नीचे को बैठ जाती है। तो इससे बेहतर है कि हम उसी बॉक्स को इस साइड पर लगाते हैं ताकि ये सुकून से यहाँ ब्रीड कर सके, क्योंकि अब ये ब्रीड के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब रहना भी इन्होंने पक्का यहीं पर है, जब तक मैं कोई और जगह नहीं बना लेता, जगह भी नहीं बनाऊँगा, यहीं पर रहेंगे। इनके साथ एक और पेयर किंग का यहीं पर ला कर छोड़ दूँगा, और ये वाले जो हैं यहाँ दो पेयर और किसी और किस्म के जो आपस में लड़ाई ना करते हों वो छोड़ दूंगा। तो अभी इनके लिए मैं वो बॉक्स लगा देता हूँ। तो बॉक्स हमने उतार लिया जी, वहाँ से हैरी इस तरफ बैठी हुई है और ये सुबह से डरी हुई है जब से उसने इसको देखा है, और ये तो घूम फिर रहा है। बॉक्स हमारा इस तरफ है क्योंकि वहाँ ये फ़ायदे का नहीं था, वहाँ इस पर कोई बैठ ही नहीं रहा था दोनों पेयर में से, तो यहाँ पर ज़रूर बैठेंगे क्योंकि वहाँ पर उनके लिए अच्छा बॉक्स यही है। तो बस जल्दी से अभी इस बॉक्स को वहाँ पर लगाते हैं, यहाँ अंदर करके। तो फाइनली जी ये देखें, बॉक्स लगा ही नहीं है, ना इस साइड पे ना सामने बिल्कुल लगे, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है। और मैंने लकड़ी वाले को अभी कॉल कर दी है, शाम तक इंशाल्लाह 3 बॉक्स तैयार होके आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे लगे हुए हैं ना कबूतरों के, ये वाले इनका साइज़ है फुट बाई फुट का, ये वाले ये ऐसे लंबाई में लगे हुए हैं, और वो जो आएंगे वो ऐसे होंगे, तो 3 बॉक्स होंगे, 1, 2, 3, और वो तीनों बॉक्स जो हैं वो लगेंगे यहाँ पे सामने बिल्कुल दीवार के साथ। तो यहाँ पर अगर मुझे किंग की और ज़रूरत हुई तो 2 किंग के पेयर और आ सकते हैं, मतलब 3 बॉक्स, और ये जगह 3 के लिए काफ़ी है। तो अभी तो इनको यहीं पे छोड़ता हूँ, इस बॉक्स को भी यहीं पे छोड़ता हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह इंशाल्लाह शाम तक हमारे बॉक्स आ जाएंगे, रात को लग जाएंगे, और कल से फिर ये पक्के यहीं पे रहेंगे। बाकी जहाँ तक बात है ये चूज़ों की और मुर्गियों की, तो उनको भी दूसरा केज दे देंगे जो साथ वाला है छोटा, जहाँ चूज़े रहते थे, और मुर्गियाँ और पुराने वाले चूज़े जो थे इस बड़े वाले केज में आ जाएंगे। ये देखें, ये यहाँ पर बैठी हुई है, और पहले भी ये यहीं बैठी हुई थी, कब से, एक दफ़ा अंदर भी चली गई थी, इसको मैं बाहर लाया था, क्योंकि ये जितनी भी मुर्गियाँ हैं ये जब अंडे देने के लिए इस तरफ जाती हैं तो ये उनको जाने नहीं देती, मारती है। तो अभी क्या करना है कि इसको मैं सोच रहा हूँ अभी ये थोड़ी सी देर तक वहाँ बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी सर्दी है, वहाँ तो धूप भी आती थी, अब यहाँ धूप आती है लेकिन उस तरफ, और ये उधर जा नहीं रही। तो इंशाल्लाह शाम तक मैं इस मुर्गी और चूज़ों को वहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा, और इनको अपने घर का पता चल जाएगा, और वहाँ कबूतरों वाली जगह पर हम नया बॉक्स लगा देंगे शाम को, और वो बॉक्स जो है आपको कल दिखाऊँगा।
तो खैर आज का व्लॉग यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।